Sam Warnock. अब घबराने की कोई बात नहीं, सारे डाकू भाग गए, आप सफर जारी रखिए। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। तुमने कई बाजियों में मुझे शिकस्त दी, मैंने जिस तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बीच में ही उसे काट दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें काटूंगा, सर से पांव तक तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाला गिन नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये सब झूठ था? बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम्हारी मौत सच्ची है। 2 महीने से सोच रहा था कि ये परम धर्म वाला है कौन और इसे खत्म कैसे किया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक झूठी बारात बनाई जाए जिसमें घोड़े पर बैठा हो दूल्हे की जगह यमराज और डोली में हो खूबसूरत सी तुम्हारी मौत। विजय की अचानक और बेवक्त मौत ने सावित्री की जिंदगी को वीरानियों से भर दिया। ठाकुर साहब के अरमानों पर बिजली टूट पड़ी जब उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है, जिसे दुनिया वाले पाप समझेंगे और सावित्री एक शूरवीर की निशानी। अपनी इकलौती बेटी का जीवन बचाने के लिए ठाकुर साहब ने एक झूठ का सहारा दिया और सावित्री से कहा कि उसने विजय के बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन बच्चा मरा हुआ था। ठाकुर साहब ने सावित्री को समझाया कि औरत को जिंदगी में 3 सहारों की जरूरत होती है, बचपन में पिता की, जवानी में पति की और फिर पुत्र की। ठाकुर साहब की जिद के सामने सावित्री की एक न चली और सावित्री ने अपने अतीत की आहुति अग्नि के इन 7 फेरों में दे दी। पिता ने विदाई के समय सावित्री को समझाया कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका पति और उसका घर है। इधर सावित्री ने ठाकुर प्रेम सिंह के पुत्र को जन्म दिया। बेजुबान फरिश्ता बहादुर अपने मालिक विजय को नहीं भूल पाया और उसकी निशानी रवि पर अपनी वफादारी न्यौछावर करने लगा। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने का वादा किया। ये रुपए गरीबों में बांट दो। राजेश हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाया है, किसे हीरे और मोतियों में तोला जाए तो भी कम है। जाओ। चलो बेटा, केक काटे। लो। शाबाश। ये लो। थोड़ा सा खा लो। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकालकर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। चलाओ।
किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने मेरी एक आंख फोड़ी है ठाकुर, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं सावित्री? हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकाल कर चीर और कौओं को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है, हम भी जिस जेल में जाते हैं जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है ना ही सलाम करने की, तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई, और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छमिया,